हेलो गाइस, वेलकम टू रॉयल मेक रिव्यूज। तो आज हम आपके लिए लेके आए 2018 हुंडई वर्ना पेट्रोल का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द कार। तो आप देख सकते हैं आपको हेडलाइट में आके क्रोम गार्निश यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलती है, और आपको DRS थोड़ी यूनिक साइज के यूनिक स्टाइल के दिखते हैं, और आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, पार्किंग लाइट्स और आपको इंडिकेटर्स यहाँ प्लेस मिलते हैं। और आप देख सकते हैं आपको क्रोम गार्निश राइट राउंड दी फॉग लैम्प्स मिलती है, और आप फॉग लैम्प्स की तरफ भी आपको ये क्रोम गार्निश मिलती है, और आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और आप देख सकते हैं आपको ग्रिल की तरह राइट राउंड आपको क्रोम गार्निश मिलती है, और आपको क्रोम लाइन आके ग्रिल के अंदर भी मिलती है, और आप देख सकते हैं आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और इधर आपको टो हुक भी मिलता है अगर आपकी गाड़ी कोई फंस जाए तो। नाउ लेट्स मूव टू द साइड ऑफ द कार। तो आपको अलॉय ब्यूटीफुल लुकिंग अलॉयज मिलते हैं जो आके ऑब्वियसली स्टील के हो गए, और आपको 165 की प्रोफाइल मिलती है, 16 inch के टायर मिलते हैं, और आपको 4 भी आके डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, और आपको कैलिपर्स नॉर्मल आके सिल्वर कलर में मिलेंगे। और आप देख सकते हैं आपको ऑटोमेटिक ORVMs मिलते हैं, और आपको LED ORVMs ऑन दी ORVMs पे प्लेस मिलते हैं, और आप देख सकते हैं आपको क्रोम गार्निश CS हेड से लेकर आपको रियर सेट तक मिलती है। इधर आपको ग्लास नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल इधर कुछ प्लास्टिक टाइप का मिलेगा। आपको क्रोम डोर हैंडल्स यहाँ भी मिलते हैं और यहाँ भी मिलते हैं, और आपको ये पार्किंग ये रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ एक साइड पे मिलेगा, आपको दूसरी साइड पे नहीं मिलेगा। तो लेट्स मूव टू द रियर ऑफ द कार। तो आप देख सकते हैं आपको LED रियर लाइट्स मिलती हैं जो आके बहुत ही स्ट्रांग है, ये आके रात पे आपको अलग से दिखेंगे, और आपको इधर 1.6 की बेजिंग मिलती है SX की, और आपको वर्ना की बेजिंग मिलती है, और आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इधर मिलेंगे, आपको डिफॉगर यहाँ प्लस मिलेगा, आपको शार्फी 90 का उधर मिलेगा, और आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा इधर मिलेगा, और आप देख सकते हैं आपको बोट ओपन करने का ऑप्शन किले में ही मिलेगा, और इधर आपको 465 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, और आपको स्टेपनी आके एक साइज का मिलेगा 16, यानी कि आपको 15 मिलेगा। और अगर आपको कुछ आपको लाइट्स या चेंज कराने हैं, आपको रिपेयर करना है, तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। तो आपको 43 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी मिलती है, और आपको इधर सिटी में आके 13 km/L की एवरेज दे देगी, और आपको हाईवे में 17 km/L की एवरेज दे देगी। नाउ लेट्स मूव टू द इंटीरियर ऑफ द कार। क्रोम आपको इधर क्रीम और ब्लैक का फिनिशिंग मिलता है, और आपको इधर लेदर लाइक फिनिशिंग मिलती है, आपको एक ट्विटर और एक स्पीकर इधर मिलेगा, आपको बॉटल होल्डर इधर मिलेगा, आप एक 2 बॉटल्स इधर रख सकते हैं, आपको ORVMs क्लोज या ओपन करने का ऑप्शन इधर मिलेगा, और आपको अगर आपके मिरर्स एडजस्ट करने हैं राइट साइड का, आप इधर से कर सकते हैं, आप उधर ये नोटिस कर सकते हैं, और आपको अगर लेफ्ट साइड का करना है तो आप इधर से कर सकते हैं, और अगर आपको डोर लॉक्स या अनलॉक करना है तो आप इधर से कर सकते हैं, और आप अगर आपको सारे शीशे नीचे कर बंद रखने हैं तो आप इधर से ऑप्ट कर सकते हैं, और आपको सिर्फ ऑटोमेटिक विंडो कंट्रोल आपको सिर्फ ड्राइवर सीट पे मिलेगा। और आप देख सकते हैं सीट्स के कंट्रोल्स, आपको हाइट एडजस्टेबल सीट इधर मिलेगी, आपको अगर रिक्लाइन करना है तो आप इधर मिलेगा, पर आपको अगर आगे पीछे करना है तो आपको इधर मैन्युअली करना पड़ेगा। आपको इधर बूट ओपनर मिलता है, और आप इधर आपको टैंक ओपनर मिलता है, आपको इधर ब्यूटी आपको। तो लेट्स मूव टू द इंटीरियर ऑफ द कार। इधर आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है, और इधर आपको एल्यूमिनेशन मैक्स आपको सेट करना है तो आप इधर से कर सकते हैं। इधर आपको डीकल स्टेयरिंग नहीं मिलेगा क्योंकि 2018 की वर्ना है। आपको इधर ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल मिलेगा अगर आपको सेट करना है या कैंसिल करना है। आपको इधर मीडिया के लिए आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, और आपको इधर 7 inch का मीडिया मिलता है टच स्क्रीन। अगर आपको मैप ओपन करना है या फ़ोन के लिए बात करना है, आपको नेविगेट करना है, या आपको सारा सेटअप करना है, और इधर आप ट्यून या साउंड बढ़ा सकते हैं, इधर आपको ओपन करना है या बंद करना है आप उधर से कर सकते हैं। आपको फ्रंट और रियर डिफॉगर मिलता है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स आपको पैसेंजर और ड्राइवर सीट मिलेंगे। तो और आपको लाइट्स आके हैलोजन मिलेंगे, LED नहीं मिलेगा। आपको सनरूफ ओपन करना है या क्लोज करना है आप इधर से कर सकते हैं। आपको छोटी सी सनरूफ मिलती है इधर, और आप देख सकते हैं आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, आपको दो चार्जिंग के सॉकेट्स मिलते हैं इधर। इधर आपको आके ऑक्स के लिए केबल मिलता है, और USB के लिए केबल मिलता है, और आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इधर मिलता है।
नाउ लेट्स मूव टू द पैसेंजर साइड ऑफ द कार। इधर आपको नाइट रेयर व्यू मिरर मिलता है, आप इधर इसे एडजस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आपको मिरर आके सिर्फ पैसेंजर साइड मिलता है, आपको ड्राइवर साइड इधर नहीं मिलेगा। पर अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके रखने हैं तो आप इधर रख सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपको इधर ये रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं और आप इधर आपको ये क्रोम नहीं है शायद, ये सिल्वर क्रोम फिनिशिंग आपको मिलती है, सिल्वर फिनिशिंग। और आपको इधर मल्टीमीडिया की तरफ भी आपको मिलेगा और आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश इधर मिलती है। और आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट आके उतना बड़ा नहीं है पर चलता है। और आपको इधर लेदर तो मिलेगा और आपको ये रिलैक्स कर सकता है। और आपको इधर हैंड ब्रेक आके ऑटोमेटिकली मैनुअल मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ के कूल ग्लव बॉक्स है, हाँ एक कूल ग्लव बॉक्स है। ये आप सिस्टम चेक का जो देखते हैं बहुत अच्छा दिखता है। और आपको इधर वाइट कलर के लाइट मिलते हैं और गाड़ी में आके नॉइज़ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा है पर ठीक है। और अगर आपको इधर चेक करना है तो आपको इधर मिलता है। अगर अगर आपको इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप इधर देख सकते हैं, कितनी डिजिटल में बताता है आपको, इधर कितना माइलेज दे रही है वो बताता है, कितने किलोमीटर चल गई है वो भी बताता है, और कितना एवरेज दे सकती है गाड़ी आप उधर बता सकते हैं। और आपको इधर टेम्परेचर भी बताता है और ये सिर्फ 2799 किलोमीटर चल सकी है। और इधर आपको सनरूफ मिलती है जो बच्चों के लिए ठीक है। और आपको इधर क्लोज करने का भी ऑप्शन इधर मिलता है। और आपको इधर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जो आपके अच्छे कंफर्टेबल हैं। और आप इधर देख सकते हैं मीडिया का, आपको फ़ोन किसी को कॉल लगाना है तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको रेडियो चलाना है तो आप इधर से चला सकते हैं। और आप देख सकते हैं टच स्क्रीन यूज़ करने में आके बहुत ही आपको नेविगेशन का सिस्टम इधर मिलता है। और अगर आप बैक जाते हैं तो आपको इधर टाइम बताता है, आपको FM आप कौन से इसमें चला रहे हैं वो बताता है। अगर आप मेन मेन्यू में जाते हैं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आपको क्या क्या ऐप्स इसमें चाहिए। और आप देख सकते हैं आप वेंटिलेटर्स अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, आपको 1 पे थ्री पे रखना है 3 पे रखिए, 2 पे रखना है 2 पे रखिए, और अगर आपको 1 पे रखना है 1 पे रखिए, और अगर आपको ऑफ करना है तो ऐसे आपको ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं रेयर साइड ऑफ दी वर्ना। तो आप देख सकते हैं गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, आपको अंडर टायर सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, हेडरूम आके सफिशिएंट है, और आपको हेडरेस भी काफ़ी कंफर्टेबल मिलते हैं। और आप इधर आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं, आपको इधर रेयर पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग स्लॉट मिलता है, इधर आपको मैगजीन होल्डर मिलता है, और इधर आपको पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट मिलता है, 2 कप होल्डर्स ओवर हियर। और आपको इस गाड़ी में आके ये भी मिलता है, सीट बेल्ट भी आपको इस गाड़ी में अवेलेबल किया जाता है। और इधर आपको रेयर विंडशील्ड पे आके सनशेड्स इधर आपको मिलते हैं। और अब हमको इसके डायमेंशन और कैपेसिटी और इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताते हैं, तो चलिए बाहर आते हैं। आपको इसमें 440 mm की लेंथ मिलती है, विथ आके 1729 mm की मिलती है, और इधर आपको हाइट आके 1475 की मिलती है, और इधर आपको व्हील बेस आके 2600 mm का मिलता है। और आपको इसमें इंजन स्पेसिफिकेशन, आपको इसमें 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जो निकालता है 121 bhp एंड 151 nm ऑफ टॉर्क। नो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सब्सक्राइब टू अवर चैनल रॉयल मेक रिव्यूज़ एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।